तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में एरे फॉर्मूला, एरे डेटा टाइप की हम बात कर रहे हैं। हमने आपको डेटा टाइप पढ़ाया, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप पढ़ाया, अब हम एरे की बात करते हैं कि एरे क्या करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को सही से देखें, क्योंकि आगे चल के जो हमें कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग करेंगे, लार्ज डेटाबेस और लार्ज वेरिएबल्स से हम हैंडल करेंगे, तो वहां पे एरे आपको यूज होगा। तो विजुअल बेसिक से आते हैं और एक मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं। यहां पे सब्जेक्ट आ रहा, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब जैसे कि आपने बोला डिम आर एज ए इंटीजर, अब मुझे मान लीजिए कि 5 या 10 डेटा लोड करना है, तो आप यहां पे आपको जो है ना 10 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा कि डिम ए एज ए इंटीजर, फिर डिम बी एज ए इंटीजर, डिम सी एज ए इंटीजर। बात समझ रहे? या एक ही लाइन में तो आपको 10 अलग अलग डेटा टाइप चाहिए होगा और मैनुअल एक के बाद एक उस पर स्टोर होगा। तो यहां पे हम एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहां पे लिखेंगे कि डिम ए 1 to 10 एज ए इंटीजर। जहां वैल्यू स्टोर करना होगा वहां पे 1 के साथ i = 50, 1 के साथ 2 = 50। और अब इसका वेरिएबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने कर दिया कि 4 i = 1 to 10 और नेक्स्ट i। और यहां पे आप कर सकते हैं यहां पे कि a i डॉट नहीं डॉट नहीं लगाना पड़ेगा इसमें, इक्वल टू सेल्स या रेंज जो भी देना है दे दीजिए, वह i कॉमा 1 डॉट वैल्यू। तो ये क्या होगा कि जितने भी 10 रोज होगा ए बी सी डी ई एफ जी के जो भी वैल्यू होगा वो आपका यहां पे डाल देगा। मतलब कि ये जो नंबर होगा जो 10 तक गया हुआ है वो सारा का सारा आपको स्टोर कर देगा ए के ऊपर। तो ये क्या करेगा, अगर मैं इसको ग्राफिकली समझाऊं मैं, तो ये बैकएंड में एक टेबल बनाएगा जिसमें 10 रो होंगे और 1 by 1 इसके ऊपर डेटा फिट कर जाएगा। मतलब कि ए इसका नाम ए रख देगा, ए 1 तो यहां पे 1 2 3 4 इस तरह से, और वैल्यू इसी तरह से पुट करता चला जाएगा। और जहां मुझे इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम ए के साथ नंबर डालेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि एम एस डी बॉक्स और हमने यहां पे कर दिया ए और ब्रैकेट में कर दिया 5। तो यहां देखिए जब इसको हम प्ले करते हैं तो मैसेज बॉक्स में 2 आ गया, क्योंकि 5वें नंबर पे 2 है। तो इसका यूज कब होता है, इसका यूज होता है जब आपके पास बहुत एक पूरी की पूरी सीट को कहीं स्टोर करना हो उसके लिए, जब तक हम इसको यूजर फॉर्म पे इस्तेमाल करते हैं। इसे फिर हमें रो दिया है, इसमें हम रो के साथ कॉलन भी दे सकते हैं, यहां पे कॉमा 1 to 5। अभी क्या होगा, 5 colon and 5 row हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे ए 1, यहां पे 1 ए रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 और यहां पे हम रिकॉर्ड देंगे 50, ए रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 इस तरह। समझे सर? तो एक सिंगल डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन एरे कहा जाता है। तो अगर आपने सिर्फ एक लिया 1 to 10 इसको बोलाता है सिंगल डायमेंशन, अगर आपने इसमें कॉलम कर दिया, कॉलम भी डाल दिया, तो ये मल्टी डायमेंशन एरे हो जाता है। अतीत जी, राहुल जी, समझ में आया आपको? नवीन जी, एक बार फिर से थोड़ा बताएंगे, थोड़ा क्या दिक्कत है आपको, समझाएंगे बताएंगे। ये जो इनटू ब्रैकेट में 1, 1 = 50 के, अब सिंपल सी बात समझिए ना कि आपका जो डेटा है ना,
डेटा में रो है और कॉलम है, समझे कि नहीं समझे? बस इसी तरह से रो आपका एरे होता है कि अगर आपने बोल दिया 1 to 10 तो सिर्फ एक रो एक कॉलम करेगा, 1 to 10 ले लेगा, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4, सेल 5। अगर आपने बोल दिया दो बाकी रो 10 है कॉलम 5 है तो 5 कॉलम ले लेगा और 10 रो ले लेगा। अगर मान लीजिए मुझे अगर रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 5 देना है तो यहाँ से रो नंबर 3 कॉलम नंबर 5 यहाँ पे डेटा डालेगा, बैकएंड में, यहाँ पे नहीं डालेगा बोले बैकएंड में रखेगा इस इन्फो में। और इसको डिटेल में मैं समझाऊंगा कहाँ, जब मैं आपको यूजर फॉर्म पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी एरे का एक और कंसेप्ट समझिए, एक कलेक्शन एरे भी एक एरे कलेक्शन करके भी आता है। जैसे कि मुझे अगर डुप्लीकेट रिमूव करना हो तो क्या करें, तो मेरे पास नेम है मुझे इसको रिमूव डुप्लीकेट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम दे सकते हैं लिख यहाँ पे सब्जेक्ट हारा ब्रैकेट ओपन क्लोज स्लैश ओपन कर। तो एक तरीका है कि मैं यहाँ पे रेंज ए से ए डॉट रिमूव डुप्लीकेट कॉलम कॉलम छोड़ दीजिए, सिर्फ रिमूव डुप्लीकेट करता हूं तो क्या होता है, नहीं इतने कॉलम में यहां देना है रेंज ए से। अब देखिए क्या होगा, टाइप मिसमैच, एक्सेल नो ऑन टाइम एरर, एक मिनट कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। तो रिव्यू डुप्लीकेट क्या होगा, अशोक माफ कीजिएगा, एक्टिव सीट, एक्टिव का पार्ट है एक्टिव सीट डॉट रेंज। अब यहां पे मैं पूरा कॉलम दे दू रिमूव डुप्लीकेट कॉलम नंबर 1 और हीदर एक्सेल नो, समझे? ते रिमूव डुप्लीकेट कर देता, लेकिन मुझे जहां डेटा है वहां से रिमूव नहीं करना है, मुझे इसमें से यूनिक आईडी को लेके मान लीजिए इस कॉलम पे लाना है। तो उस केस में क्या करें, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे डिम डी सी एज ए न्यू और इसको कलेक्शन, ये भी एक एरे की तरह है कि एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर रखता है। बट दिक्कत इसमें क्या है कि dt जो है सिर्फ यूनिक को रखता है, डुप्लीकेट को नहीं रखता है। जैसे मैं यहां पे लिखूं, यहां पे कमांड लगा देता हूं कि फोर आई इक्वल टू चले 1 to रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस आप डॉट रो और मैक्स आई। अब मैं यहां लिखता हूं डीटी डॉट एड, कौन सा एड होगा, तो हमने बोला रेंज ए के साथ आई को कंबाइन किया डॉट वैल, और इसको एक बार हमेशा एक सिंपल इसमें देना होता है वैल इसमें रेंज डेटा टाइप में। तो हमने बोल दिया चेंज str, मतलब कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए जो भी डेटा हो, फिर वापस रेंज
ए के साथ हमने आई को कंबाइन किया डॉट वैल। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जैसे इसके डुप्लीकेट वैल्यू ऐड होगी ये आपको एरर दे देगा। देखिए एरर दे दिया कि द की इज ऑलरेडी एसोसिएट विद द एलिमेंट ऑफ दिस कलेक्शन। तो यहां पे हम देंगे फॉर्मूला एक सिंपल सा कि ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, कि जब डुप्लीकेट एंट्री हो तो इनकी एक्सेप्ट ही ना करें, तो सारी एंट्री हमारी डीटी पे आ जाएगी। अब उस एंट्री को मुझे यहां इस पे ऐड करना है एच पे, तो इसके लिए मुझे एक और लूप चलाना पड़ेगा कि फोर एच आइटम इन डीटी। अब इसमें फोर इच क्यों लगाया, क्योंकि इसमें फोर आई नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि डीटी पे कितना वैल्यू स्टोर है। तो हमने बोल दिया फोर इच आइटम, मतलब हर एक आइटम जो डीटी में अवेलेबल है, और हमने यहां पर लिख दिया रेंज एच किल एच 65,000 डॉट एंड एक्सलेस ऑफ डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आइटम, और नेक्स्ट आई नहीं होगा, नेक्स्ट आइटम होगा। ओके मैं इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे कि जितना भी यूनिक डेटा है यहां पे स्टोर हो गया। ठीक है, इसका यूज आगे चल के मैं रिपोर्ट ऑटोमेशन में करूंगा, इसे ध्यान से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका यूज होता है किसी भी लिस्ट में से यूनिक रिकॉर्ड को निकालने का। हेलो, हाँ बोलिए सुजीत सर, ये क्या इसका यूज क्या है, CSTR? ये जो है देखिए क्या है कि ये आपका जो है आपकी जो वैल्यू है वो बताता है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। जैसे आप जानते हैं ना VBA में सेम डेटा टाइप होना चाहिए तभी मैच होता है। अगर नंबर और टेक्स्ट दोनों को मैच करेंगे, एक वैल्यू आपने नंबर में लिख रखा है, एक को आपने टेक्स्ट में लिख रखा है, दोनों मैच नहीं करेगा। डेटा के ऊपर जो एड वैल्यू है वो क्या कर रहा है कि जो वैल्यू एड हो रही है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। CSTR का मतलब होता है स्ट्रिंग, सी के मतलब होता है कन्वर्ट, कन्वर्ट स्ट्रिंग कौन, तो हमने बोला जो रेंज वैल्यू ऐड हो रही है। जी सर, मेरा कहने का मतलब है कि डीटी के ऊपर जो वैल्यू ऐड है वो भी तो स्ट्रिंग है ना, कहां ऐड है बच्चे, डीटी के ऊपर जो ऐड वैल्यू हो रही है। नहीं नहीं, तो डीटी का तो सिंटैक्स सेम सिंटैक्स है ना कि डीटी वैल्यू डॉट ऐड, कौन सा वैल्यू ऐड करना है और किस की में ऐड हो रहा है, सिंटैक्स ही है आपको देना है। आप फिर ए डाल देंगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, की डालना जरूरी है। सर नहीं आया समझ में, सिंपल सी बात है, जो वैल्यू डली है ना इसकी को यहाँ कन्वर्ट किया गया है, दोनों सेम सिंटैक्स नहीं दिख रहा आपको। सर ये तो आ रहा है समझ में, लेकिन क्यों किया जा रहा है उसको चेंज करने के लिए, वो खुद में एक सिंगल वैल्यू है। समझाया ना आपको कि अगर नंबर स्ट्रिंग दो फॉर्मेट हुआ तो आपको डीटी कंफ्यूज हो जाएगा ना, इसलिए वो पहले ही बोल रहा है कि तुम कन्वर्ट करके मुझे दो, समझे, इस सेंटेक्स ऐसा है आपको देना ही पड़ेगा। ओके समझ गया जी, यहाँ जो वैल्यू ऐड होगी इसका मतलब कि ऐड हो गया, नहीं नहीं ये ऐड हुआ है और इस फॉर्मेट में ऐड हुआ है, ये दोनों लाइन एक साथ चलेगा ना। सर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ ऐड हो गया तो फिर यहाँ क्यों दिया मैंने, ये सर कंफ्यूज नहीं हो रहा हूं मैं, ये सेम एक बार रन होगा, ये ऐड करने से पहले इस वैल्यू को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर ऐड करेगा। ऐड क्या करना है, ए ऐड करना है, किस फॉर्मेट में करना है, तो ई एस सी एस सी आर हमने डाल दिया किसमें कन्वर्ट करके डालना है, इसको की बोलते हैं। ओके ओके, अब इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से कर लें, और कंडीशन हमारा हो चुका है कि कंडीशन बाकी है। सुजीत सर, हाँ जी, ये फॉर ईच आइटम जो लिखा है, हाँ फॉर ईच आइटम ऐसे लिखना है कि फॉर ईच नहीं, आपको ऐसे लिखना, चलो एरे पे चलता है ना फोर इंच कनेक्शन, तो आइटम बाय डिफॉल्ट की होता है इसका। अच्छा ठीक है ना, आप एरे पे जब चलाएंगे तो उसमें आइटम ही लिखना पड़ेगा, आइटम। और सर कंडीशन इसमें नहीं चलाया,
कौन सा कंडीशन? अब जो पूछ रहे थे ना कंडीशन चला है। हाँ कंडीशन नहीं, मैं पूछा था कंडीशन, मतलब इस कंडीशन की क्लासेस हुई है या नहीं हुई है? नहीं सर। नहीं हुई है ना, तो कल से हम इस कंडीशन पढ़ेंगे। ओके मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय, गुड नाइट।